अभी प्रारब्ध में संचित में और आगामी तो कर रहे हैं, इसके पहले संचित में बहुत करके रखे हैं। ये सबसे निश्चित नहीं है कि ऐसा मानव शरीर हमको फिर मिलेगा। इसलिए जो जो हमारा पाप दृष्टि और पाप प्रक्रिया से जानवर होने के लिए, बिल्ली होने के लिए, बहुत प्रकार पक्षी होने के लिए, जो जो सूक्ष्म संस्कार हमारा अंतर्गत है वो सबको निकालने के लिए वो रूप का अनुवर्तन करते हैं, वो तो शेष भंगवाद। ऐसा एक आदमी आदमी होने के लिए पहले एक आदमी क्या होना चाहिए? आदमी मनुष्य होना चाहिए, फिर तो अति मनुष्य होना चाहिए, फिर तो दिव्य होना चाहिए, फिर तो अप्राकृत होना चाहिए। इसलिए एक आदमी ऊपर जाने के लिए नीचे जो जो हम ऋण रखे हैं वो सब हमको बहुत बड़ा रुकावट है। वो ऋण सब निकालने के लिए 10-15 हजारों सा जन्म लेके वो शरीर से इसकी अनुभूति से उसको निकालना है। परंतु योगशास्त्र में यम नियम की दृष्टि में हम यदि करेंगे तो एक छोटा सा 10-15 मिनट का आसन की आसक्तियों से बहुत जन्म में जो अनुभवितव्य अस्माकं वो कर्तव्य है वो सब इसी आसन से हम निकल के तुरंत हम ऊपर चल जाते हैं। इसलिए मानुष होने के लिए अमानुष नहीं होना चाहिए। अमानुष मैंने जो मानुष नहीं, वो तो सुर नर त्रियक स्थावर बोलते हैं ना, चार प्रकार का जन्म, ऐसा त्रियक और स्थावर तो मनुष्य से नीचे है। मनुष्य से नीचे नहीं होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, मनुष्य होने के लिए भी नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे होने के लिए जो जो काम किए हैं उसको निकाल के ही हम मनुष्य रहना चाहिए, फिर उसके ऊपर चलना चाहिए। वो सब निकालने के लिए, पूर्ण मनुष्य होने के लिए जो जो संस्कार वासना शेष है हमारा पूर्व जन्म और यह जन्म में जो जो किए हैं वो वासना सब निकालने के लिए उसका रूप का अनुष्ठान स्मृति पूर्वक कर से वो निकाल के फिर प्राणायाम ध्यान धारणा में हम ऊपर ऊपर चलते रहते हैं। इसलिए शेष भंग न्याय और साराशन न्याय इसको शास्त्र में बोलते हैं। बहुत बड़ा विषय है ये सब लिखना चाहिए। इसका मूल मंत्र भी और एक दिन बताएंगे, नहीं तो अभी ये खत्म करके 10 मिनट में हम बता देंगे। साराशन न्याय सार ग्रहण करने के लिए और शेष भंगवाद, मैंने जो शेष है हमारा पूर्व कर्मों का वो शेष को निकाल के भंग करके स्थिरता होने के लिए फिर शनि शनि धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए ये एक अभ्यास है, शास्त्र में इसको उन्हें दिए है। फिर हम प्राणायाम को आते हैं। अभी ये दोनों आसन, आसन में हम कुछ समझ लिए आसन का लक्षण और प्राणायाम में आते हैं। प्राणायाम में पंचवाद है, प्राणान्नवाद, प्राणायुर्वाद, प्राण शक्तिर्वाद, प्राण दृष्टिर्वाद, प्राण सिद्धिर्वाद। ये तो 5 प्रकार का वाद है प्राण शक्ति में। प्राणान्नवाद इसका अर्थ यह है कि प्राण आपका पहला अन्न है, इसलिए आप अभी समझ कर अभी आपको समझना है कि प्राण आपका पहला अन्न है। लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं, अभी हम तो अन्न खाते हैं दृढ़ रूप में और जल पीते हैं और प्राण कुछ ये रक्त संचारण में कुछ सहकारी है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रथम अन्न तो प्राण है, इसलिए हम बहुत प्राण लेना है, उससे कुछ कम जल लेना है, उससे बहुत कम ही अन्न लेना है। वह प्रक्रिया तो अभी हम भूल गए हैं, जिसलिए बहुत अन्न लेते हैं, बहुत कम जल लेते हैं और प्राण तो इतना ही लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, नाशिकादि कंठांत, नाशिकादि हृदंत, नाशिकादि नाभ्यंत, फुस्वास्तो नाशिकादि नाभ्यंत, मध्यम श्वास नाशिकादि हृदंत, अतम स्वास्थ्य नाशिकादि कंठंत। सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और यदि एक वातावरण में कोई ना कोई बोलेगा तो हाँ प्राण भरो बोलेंगे तो फिर तभी हम बहुत लेते हैं, लेकिन हमारा सरल सहज स्थिति में वो आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए प्राण तो हमारा अन्न है, जो प्राण का अन्न का स्वीकार ज्यादा नहीं करेगा उसको अन्न को जीर्ण करने के लिए अयोग्यता आ जाएगी, जिसलिए अभी तो मधुमेह अजीर्ण ऐसा बहुत व्याधि हो जाती है और स्वप्नहीन होता है। बहुत लोग तो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, हिस्टीरिया होते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, ये सब बहुत कुछ बीमारी। ये प्राण आहार का लक्षीकरण तो हम बहुत भूल गए हैं, इसको प्राणान्न न्याय बोलते हैं। प्राण तो अपना पहला अन्न है। जितने आप बहुत बहुत रंगों का रुचि ग्रहित प्रकारों का अन्न से आप पूरी कर रहे हैं वो सब उतना प्राण से पूरी करना चाहिए। जितना प्राण अभी लेते हैं लेते रहते हैं उतना ही अन्न लेना चाहिए। अभी तो हम विपरीत में हैं, वो तो प्राणान्न न्याय। और दूसरा तो प्राण आयुर न्याय, वो तो क्या, जितना प्राण आप लेते हैं आयुर्वृद्धि भी ऐसी होगी। इसको बहुत प्रमाण है कि
जो 100 साल और 150 ढाई साल जो जीवित है, ये सब बहुत कुछ है ना। कच्छप का आयु तो बहुत अधिक है, 150 साल है, 150 साल ऐसा आप जानते हैं। बहुत ये मत्स्यों हैं, बृहताकार तिमिंगल बोलते हैं, तिमी को गिलन करने वाला तिमिंगल, वो तिमिंगलों की आयु आप देखेंगे तो 200 साल 250 साल तक क्यों रख सकते हैं। और जो इतना दीर्घ आयु, हम तो बोलते हैं दीर्घ आयु, ऐसा स्तोत्र में बोलते हैं, सुनते हैं, दीर्घ आयु कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है। और जो दीर्घ आयु के साथ, जो अति लंबित आयु के साथ जो तो जानवर है, पक्षी है, जो कुछ प्राणी है, उसका स्वास्थ्य तो बहुत मंद है। इसका जो अभी नियम से आप जो बोल रहे हैं, अभी ये करो, पूरा करो, रेचक करो, कुंभ करो, आप तो नियम से बोल रहे हैं, वो सबको कौन बोलने वाला है, ये करो ये नहीं करो, कौन बोल रहा है। वो तो स्वभाव जनित है, शरीर सहज और स्वभाव जनित प्राण से वो आयुष तो उतना ज्यादा है। इसलिए हमारा आयु भी इसे ज्योतिष शास्त्र में 120 साल दिया है और वेद में 100 साल दिया है। और बहुत लोग 200 साल तक भी जिनने, वो महापुरुष है, जिसको आयु का लक्ष्य भी नहीं है, ऐसा बहुत कुछ अभी देख रहे हैं ना। इसलिए प्राण आयु न्याय, तो जितने ज्यादा आप प्राण शक्ति आप रखते हैं और लेते हैं और देते भी, ये तीन प्रक्रिया से आपको आयुर्वर्धन ही होगा। ये तो प्राण आयु न्याय, और तीसरा तो प्राण शक्ति न्याय, इसको बोलते हैं शरीर में, अंग्रेजी में नहीं तो विज्ञान में बोलते हैं होमियोस्टेसिस। शरीर में जो बीमारी होती है, वो बीमारी का औषध भी शरीर का अंतर्गत है। जैसे व्याधि अंतर्गत है, वो औषध भी दवाई भी अंतर्गत है, बाहर से नहीं लेना। जिसको ये अंतर्गत दवाई से काम नहीं आता है, उसकी सहाय के लिए बाहर से दवाई लेना पड़ेगा। जिसको ये शक्ति नहीं है, उसके लिए ही बाहर से दवाई, वो तो विज्ञान में होमियोस्टेसिस बोलते हैं। और आंतरिक शक्ति नहीं तो ऊर्जस बोलते हैं संस्कृत में, ऊर्जस, ऊर्ज बोलते हैं ना, वो तो शरीर की ऊर्जस, वो ऊर्जस का एक और दूसरा नाम भी है, उसको ओजस बोलते हैं। हाँ, ओजस माने दीर्घायु और व्याधियों से विमुक्ति और स्थिरता, धैर्य, गांभीर्य, क्रिया उत्साह, ये सबसे समन्वित एक शक्ति को क्या बोलते हैं, ओजस बोलते हैं। इसलिए इसको प्राण शक्ति न्याय बोलते हैं। इसलिए प्राण तो शक्ति है, आप शरीर में कुछ ठीक करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए मात्र प्राण नहीं है, शरीर में यदि कुछ विक्रिया होगी, वो सबसे निवारण करने के लिए, जो भी हो बीमारी, वो सबसे विमोचन के लिए, वही प्राण को उस जगह पर आप भेजेंगे, तो एक विचित्र संयमा और निर्देश प्रक्रिया बोलते हैं। एक जगह को भेजने को क्या बोलते हैं, निर्देश। इसलिए निर्देश शक्ति से उसी प्राण को, इसके लिए प्रक्रिया है, जिसको वहां भेजेंगे तो वो व्याधि से विमोचन होगा हमको। इसलिए वो तो प्राण शक्ति न्याय बोलते हैं। प्राण दृष्टि न्याय बहुत लोग नहीं जानते हैं, स्वर ज्योतिष नाम में एक ज्योतिष है, उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है ऐसा। ये तो ईडा पिंगला है और सूर्य और चंद्र कला है। ये कला में जो संचारण हो रहा है, एक आदमी को सामने बिठाना है और वो स्वर संचार के अनुसार इसको जो भूत और वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता सकते हैं, वो तो प्राण दृष्टि है, प्राण से दर्शन करना। प्राण तो केवल एक शक्ति, अंतर्गत शक्ति मात्र नहीं है, वो तो एक विशिष्टाक्ष है। विशिष्टाक्ष मैंने वो तो एक शक्ति समन्वित, दीर्घ शक्ति समन्वित एक आंख है, जिससे ये आंखों से जो जो दृष्टिगोचर नहीं है, वो सूक्ष्म आघात मर्म वस्तुओं का उद्घाटन वो आंखों से दृष्टि से हमको मिलेगा। इसलिए उसको प्राण दृष्टि बोलते हैं, प्राण दृष्टि न्याय बोलते हैं। और प्राण सिद्धि न्याय, मैंने प्राण को एक आदमी टोटली तुरंत रुक सकता है, जिससे अंतः प्राण संचारण से आप जानते हैं, देवलोक में जो देवगण है वो तो श्वास संचार नहीं करने वाला है, उसका अंतः संचरण है, श्वास का अंतः संचरण बोल, अंग्रेजी में बोलते हैं ना इंटरनल रेस्पिरेशन। ऐसा अंतः संचरण में वो सब जीवन जलाने वाले हैं, उसको ये सब बाह्य संचालन नहीं चाहिए। और प्राण शक्ति से गगन मार्ग में यात्रा करना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए वो प्राण सिद्धि में गगन संचारण, देह समाधि, जीव समाधि, देह यात्रा, आदेह आत्म यात्रा, परदेह प्रवेश, परदेह निर्देश, युगपत सन्निधि, ऐसा बहुत प्रकारों की सिद्धि हमको मिल सकता है। वो तो प्राण सिद्धि, प्राण में इतने समाचार है, ये सब प्राण का। और ध्यान करने के लिए चार योग्यता नहीं तो चार मार्ग हमको जानकारी होना चाहिए, वो चार स्तंभ बोलते हैं इसको। पहले तो आहार, आहार नियति, क्योंकि आप जानते हैं
रत्न त्रय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रत्न त्रय मैंने